साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं अपन एक्टिवेटेड चारकोल की। एक्टिवेटेड चारकोल कई बार पशुओं की जान बचाने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये दवा होती है। किन किन परिस्थितियों में इसका उपयोग अपने को करना चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ इसके उपयोग के समय अपने को रखनी चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये किस प्रकार की एक दवा होती है। ये चारकोल है जो कि इंटॉक्सिकेशन या पॉइजनिंग के केस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे ये काम करता है, तो जैसे ये रूमन के अंदर जाता है, जानवर के पेट के अंदर ये जाएगा, तो वहाँ पे जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी गैस है वहाँ पे, उसको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो टॉक्सिन पेट के अंदर थे वो इसके अंदर आ जाते हैं और वहाँ से उनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होना बंद हो जाता है। ब्लड में टॉक्सिन नहीं जाएंगे तो जानवर की जो कंडीशन नेगेटिव होती जा रही थी, कंडीशन जो ख़राब होती जा रही थी, वो रिकवर हो जाती है और एनिमल मरने से बच जाता है। तो इस प्रकार ये काम करता है जानवर के शरीर में जाते ही। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट में किस नाम से उपलब्ध होता है। तो नीट के नाम से भी अवेलेबल है, ये कोल एल के नाम से भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके अलावा कोल एल 2X यानी एडवांस फॉर्मूला भी इसका अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उपयोग अपन किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने देखा, ये इंटॉक्सिकेशन या पॉइजनिंग के केस में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसको पॉइजनिंग के केस में काम में लेंगे। पॉइजनिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे जानवर ने कुछ जहरीला चारा खा लिया हो या जहरीला कोई पदार्थ खा लिया हो, तो इस दवा का उपयोग अपने को करना होता है। उसके अलावा ब्लोट के जो भी केसेज होते हैं, जहाँ पे जानवर का जो रूमन है वो आफरे की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया है, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो उस स्थिति में भी अपने को इसका उपयोग करना चाहिए। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है, गैस को एब्जॉर्ब करता है, गैस की मात्रा को कम करता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। उसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है एवं किडनी के जो फंक्शन होते हैं उनको भी ये इन्हांस करता है, उनमें ये सुधार करता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा काम की एक दवा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उपयोग अपन कैसे करें। तो देखिए, इसको अपने को ओरली पिलाना होता है जानवर को। जैसे बड़े एनिमल्स की बात करें, कैटल बफेलो में इसकी सिंगल डोज 300 ml पिला सकते हैं, या आवश्यकता ज़्यादा लग रही हो तो अपन 500 ml तक भी एक बार में एक जानवर को दे सकते हैं। उसके बाद में इसको रिपीट किया जा सकता है 12 घंटे के बाद, अगर आवश्यकता महसूस की जाए तो। उसके अलावा जो स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे सीप गोट है या डॉग है, उनमें अपन 20 ml से लेकर 50 ml तक इसकी मात्रा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो कि उसके टॉक्सिन्स को और गैस को एब्जॉर्ब करने के काम में आती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको दिया कैसे जाए। तो इसको ओरली अपन देंगे, सिरिंज की सहायता से दे सकते हैं, या बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनमें डायरेक्टली अपन बोतल से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के अलावा स्टोमक ट्यूब का भी उपयोग कर सकते हैं, स्टोमक ट्यूब से डायरेक्टली स्टोमक में ये दवा डाली जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों बात करें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी सेफ होती है ये दवा, किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव प्रेगनेंसी पर इसका नहीं देखने को मिलता, तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कैसे इसका उपयोग करना है आज के इस वीडियो में अपन ने सारी जानकारी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी कोई पॉइंट छूटता है, कोई कन्फ्यूजन आपको रहता है इस दवा से संबंधित या किसी और दवा से संबंधित या किसी अन्य बीमारी के संबंध में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, निश्चित तौर पर आपके डाउट्स का सोल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा। उसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाइए आप और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्यूरी के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।